दादर शिवाजी पार्क घाट कोपर सहित मुंबई कल्याण थाने में कई घटना को दिया था आरोपी ने अंजाम। सीसीटीवी फुटेज मुखबिर और रिपोर्टरों की मदद से गिरफ्तार हुआ डिलीवरी बॉय। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है जो मुंबई के उपनगरीय इलाके में चाबी छोड़ने वाले लोगों की बाइक चोरी करता था। इस आरोपी का नाम मंगेश रामचंद्र गुप्ता है, पूर्व की एक बाइक चोरी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और रिपोर्ट की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की तो पता चला कि कल्याण में रहने वाले डिलीवरी बॉय मंगेश गुप्ता ने बाइक चोरी की है। पुलिस ने उसे कल्याण से गिरफ्तार किया। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसने 4 महीने में 12 बाइक चुराई है, 1 घाटकोपर से, 2 भांडुप से, 3 पवई से, 1 दादर से, 1 शिवाजी पार्क से, 1 नौपाड़ा से और 1 रबोड़ी से। ये बाइकें उसने घर से कुछ दूरी पर रखी थी। कुछ ही दिनों में वह इन दोपहिया वाहनों की नंबर प्लेट चुराकर बेचने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने उसकी आंखें खोल दी हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसने ऐसे और कितने दोपहिया वाहन चुराए हैं और पुलिस ने वाहन चालकों से सावधान रहने की अपील की है। मुंबई से पुलिस महानगर के लिए जितेश चौधरी की खास रिपोर्ट। बाइक जो है आपने रिकवर की है, आरोपी को अरेस्ट किया है। ये मामला ऐसा है, पंतनगर पुलिस स्टेशन के हद में एक गुन्ना दाखिल हुआ था 10 तारीख को, 10 दिसंबर। वो गुन्ना दाखिल होने के बाद हमारा जो डिटेक्शन का हेतु रहता है कि कौन सा भी चोरी होता है तो तुरंत उसके आरोपी के पकड़ने का होता है, तो वो हिसाब से ये मोटर व्हीकल थेफ्ट में हमारा डिटेक्शन ऑफिसर है PSI कोंद्रे और उनके स्टाफ को ये पर्टिकुलर केस दिया था, तो उन्होंने उस पर वर्कआउट करके CCTV का हेल्प लेके वो आरोपी सस्पेक्ट कौन है वो पहला निकाला, वो किधर रहता है उसकी जानकारी ली और सोर्स के हिसाब से वो कल्याण से उसको हमने अरेस्ट किया। उसके बाद में उसका अरेस्ट करने के बाद उसने बोला कि ये गाड़ी इधर से ली है और उसके साथ में उसने और 12 गाड़ियाँ दी है, टोटल 12 गाड़ी उससे हस्तगत की है। सर, ये आरोपी कहाँ काम करता था और किस तरह से ये पूरे मामले को अंजाम देता था? ये आरोपी वी फास्ट एक डिलीवरी ऐप है, उसमें काम करता था वो, और जब भी ये गाड़ियाँ चुरानी है उस टाइम पे वो ऐप पे लॉग इन नहीं करता था। इसके पहले इसके ऊपर कोई गुनाह लोड है? ये पहला ही गुनाह है उसका, इससे पहला उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अभी ये 12 गाड़ी उसने चुराई है, शायद ये उसका 12 गुन्ने का उसका अभिलेख रहेगा। गाड़ियाँ कितने समय चुराई गई हैं, कालावधि क्या रहेगा? ये पिछले 4 महीने से इसने ये गाड़ी चुराई है। सर, ये आरोपी चोरी करने के कारण क्या था, जैसे काम पे था चोरी करने का स्पष्ट वजह क्या थी? चोरी करने का उसका उद्देश्य है कि ये गाड़ी बाद में हम सब इकट्ठा करके किसी एक आदमी को बेचें, ऐसा उसका उद्देश्य था, पैसे के लिए करना है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील है कि वो अपनी गाड़ी जब भी चलाने के बाद किसी को टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है या किसी को अर्जेंटली कुछ दुकान में जाना है तो अपनी गाड़ी पे वो चाबी लगा के मत जाइएगा, अपने साथ में चाबी लेके जाइए।